हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। अभी आपके जितने भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, लगभग लगभग आपके कोरोना वायरस महामारी से, या फिर आपने देखा है कि जो चीन अमेरिका के बीच द्वितीय शीत युद्ध की जो खबर आ रही है इससे संबंधित, या फिर आपके जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट चल रहे हैं उनसे संबंधित, जैसे नेपाल से हो गया आपका, पाकिस्तान से तो वैसे हमेशा से चलता आया है, उसके बाद आपने देखा है चाइना से भी चलने लगा था, उसके बाद आपने देखा है बॉयकॉट चाइना, उसके बाद 59 ऐप भी बैन किए गए हैं, तो अभी तक आर्टिकल आपके उसी से संबंधित आ रहे हैं। इस बार मुझे लगता है आपका कि आपका इससे या तो ऐसे यानी कि निबंध पूछा जाएगा महामारी से संबंधित कोरोना, या फिर आपका क्वेश्चन आएगा, इतना क्लियर है इसमें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज यानी कि 11 जुलाई को 8,20,000 प्लस केस निकल चुके हैं, और यूपी में आपने देखा है कि लॉकडाउन को सख्त लॉकडाउन 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, उसके बाद बेंगलोर कर्नाटक में भी 7-8 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो कई शहरों में आपका इस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया भी गया है। तो इससे संबंधित कुछ आप महत्वपूर्ण पॉइंट रख लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छे से बेहतर तरीके से लिख देना, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही महामारी के दौर में मानव केंद्रित विकास मॉडल की बात की जा रही है, तो देखते हैं आखिर क्या बात कर रहा है। चर्चा का कारण कोरोना महामारी के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सैनिकों को गृह राज्य में वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्किल मैपिंग से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री के अनुसार वह नहीं चाहते हैं कि भविष्य में उत्तर प्रदेश के नागरिक पलायन करें, क्योंकि आपने स्थिति देखी है कि मुंबई, गुजरात, उसके बाद दिल्ली से किस तरह से मजदूर आए, किस तरह से उन्हें रोका गया, किस तरह से प्रॉब्लम हुई। तो यूपी सोच रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री की, हमारे यहाँ के जो भी प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि अब प्रवासी ना बने दूसरे शहरों में जाकर, अपने ही शहर में यानी कि उत्तर प्रदेश में ही उन्हें रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। इसके तहत आपने देखा है कि मनरेगा भी काफी अच्छा योगदान दे रही है, महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट योजना, इसके तो मनरेगा से भी काफी हद तक रोजगार मिल रहे हैं, और भी बात चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि वह पड़ोसी राज्य से हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ भी प्रतिस्पर्धा करेगा, जो कि नौकरियों को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के को एक अच्छी योजना की जरूरत है। इस मामले में जानकारों का मानना है कि राज्य सरकारों को आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक ली क्वान यू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कुछ सबक लेना चाहिए, जिन्होंने मानव केंद्रित विकास मॉडल पर बल भी दिया है। सिंगापुर संस्थापक ली क्वान, इनके बारे में तो कुछ हद तक काफी हद तक चर्चा में भी बना रहा है। किसी देश के विकास की अगर मॉडल की बात करते हैं मानव की, वहां तो ये चर्चा में हमेशा हमेशा बने रहते हैं, और महात्मा गांधी दूसरे, तो इन्हें भी देखेंगे महात्मा गांधी का क्या विचार है इस पर। प्रत्येक हाथ को काम, हर परिवार को रोजगार देने की मिशन के तहत राज्य सरकारों ने कामगारों से जुड़ी नीतियों और नियमों में व्यापक सुधार सुनिश्चित किया है। जानकारों का मानना है कि समाज की कमजोर कड़ी जितना विकास होगा वह वास्तविक विकास है, इसे मानव केंद्रित विकास कहा जा सकता है। अगर हम लोग सिंगापुर के विकास से सबक की बात करें तो आखिर इसमें है क्या ऐसा सिंगापुर के विकास में। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच 707 वर्ग किलोमीटर में फैला सिंगापुर एक छोटा सा देश है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। हमारा कब आजाद हुआ? 1947 में। चाइना कब आजाद हुआ? 1949 में। चाइना को आप कुछ दिन बाद देख सकते हैं कि जीडीपी के मामले में पहले नंबर पर पहुंच जाएगा, अमेरिका को हर तरह से पछाड़ रहा है। अमेरिका की स्थिति अभी भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका की बराबरी पर ही जा पहुंचा है, क्योंकि WHO से जैसे ही अमेरिका ने हटने की घोषणा की, चाइना ने तुरंत एंट्री ले ली। अफगानिस्तान ले लीजिए, फिर चाहे ईरान ले लीजिए, आपने देखा है कि अमेरिका ने जैसे ही अपने पांव खींचे वहां तुरंत चाइना ने पांव जमा लिया। आप अपने पड़ोसियों के देशों के साथ भी देख सकते हैं
पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज से लथ चुका है, ऋण से चाइना की। उसके बाद नेपाल को भी आप देख सकते हैं, श्रीलंका को भी देख सकते हैं आप लोग, बांग्लादेश को भी देख लीजिए। समझ रहे हैं, मतलब चाइना महाशक्ति बनने की कतार में जा खड़ा हुआ है, और हम कहाँ हैं? आप सभी परिचित हैं से आधुनिक सिंगापुर के जनक कहे जाने वाले और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्वान यू ने एक छोटे से बंदरगाह को दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी केंद्रों में शुमार करा दिया। जानकार मानते हैं कि उस दौर में जब सिंगापुर मलेरिया की बीमारी के लिए बदनाम था, ये ली ही थे जिन्होंने इस छोटे से मुल्क को दुनिया के नक्शे पर एक कामयाब देश के तौर पर स्थापित किया है। ली ने देश में कारोबार की बेहतरीन बेहतरीन परिस्थितियां बनाने के लिए विपक्षियों और मीडिया पर कड़ा नियंत्रण रखा। गौरतलब है कि सिंगापुर के पास तेल या फिर खनिज जैसे कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, जिससे वह अपने पश्चिम के देशों को बेच सकता था। साथ ही सिंगापुर के पास ना तो खेतियों की जमीन थी और ना ही खनिज संपदा, ज्यादातर जनसंख्या भी झुग्गी बस्तियों में रहा करती थी। इसमें आप एक देख सकते हैं जापान का भी उदाहरण ले सकते हैं, जापान से भी सीख सकते हैं। जापान के राष्ट्र प्रमुख ने अभी कुछ ही दिन पहले, आपने सुना होगा कि 2 परमाणु हमले हुए थे, 1945 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी विकसित देशों की श्रेणी में जा खड़ा हुआ है जापान। तो वहां के राष्ट्र प्रमुख ने कहा था कि मानव पूंजी हमारी सबसे बड़ी कामयाबी की कुंजी है, यानी कि मानव की जो मानव को अगर शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, बेहतर प्रशिक्षण दें, तो यही सोच सकते हैं आप लोग कि आपकी जो अभी जनसंख्या सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है, इससे प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में भी बदल सकते हैं, इनसे हम लाभ भी कमा सकते हैं, इनकी जिंदगी भी बेहतर कर सकते हैं, इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसे भी सुधार सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी भरी पड़ी हुई है कि यहाँ 2-3 हजार रुपये में काम करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। अगर उन्हें ही हम लोग प्रशिक्षण दिए होते, शिक्षा दिए होते, स्वास्थ्य की व्यवस्था किए होते, तो वही पढ़े लिखे होते, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वन इंजीनियर होता, कोई इस तरह से जो भी अपने अपने क्षेत्रों में, तो उन्हें हमें लगता है रोजगार देने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती और खुद अपना रोजगार ढूंढ लेते हो। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति जीडीपी 516 अमेरिकी डॉलर थी और करीब आधी जनसंख्या अशिक्षित थी। कितनी? आधी जनसंख्या अशिक्षित थी। लेकिन इसके बावजूद सिंगापुर ने 1960 से 1980 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 15 गुना की वृद्धि करके करने जैसा कीर्तिमान बनाया है। अब आप भी सोच सकते हैं कि 1947 से गरीबी हटाओ का आंदोलन चलता आ रहा है, नारे दिए जा रहे हैं, राजनीति होती आ रही है, उसके बाद आपने देखा है कि शिक्षा का 2002 में जाकर आपका अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया आपका शिक्षा को, समझ रहे हैं? फिर भी अभी स्थिति ये है कि खस्ता से खराब, मतलब खराब हालत है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने से अच्छा बच्चों को घर में बैठाना लोग पसंद करते हैं। वही हाल है कि बीमारी का इलाज अगर सरकारी हॉस्पिटल में कराने से अच्छा लोग घर मर जाना पसंद करते हैं। यही सरकारी हमारे यहाँ जो भी संस्थान है उनका यही हाल है, समझ रहे हैं? यह नहीं है कि भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए सिंगापुर में ऐसे कड़े कानून बनाए गए जिनकी वजह से भ्रष्टाचार में कमी देखी गई। सिंगापुर में शानदार सड़कें और हवाई हाईवे निर्माण पर जोर दिया गया जिससे आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त ली क्वान ई की सरकार ने शुरुआत से ही सिंगापुर में रहने वाले मिश्रित आबादी को शिक्षित करने और मानव संसाधन पर पैसा खर्च किया। ली ने अमेरिका, यूरोप और जापान की कंपनियों को सिंगापुर में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए आमंत्रित भी किया है। आसियान देशों में कम लागत वाले श्रम के बड़े पूल के से कंपनियां आकर्षित हुई हैं। इन देशों में सिंगापुर अपने स्थान के लिए सबसे अधिक आकर्षित था। ली चाहते थे कि सिंगापुर में मजदूरी बढ़े ताकि प्रति व्यक्ति आय बढ़े, इसलिए वह चाहते थे कि कंपनियां सिंगापुर के लोगों को उच्च मूल्य वाले काम करने के लिए प्रशिक्षित करें। आपको याद रखना चाहिए कि कंपनियां जो भी विदेशी कंपनियां हैं, वीआईपी कंपनियां होंगी, वो वहीं जाएंगी, वहीं अपना जमना पसंद करेंगे जहां अच्छी सुविधा हो, उनके लिए अपराधीकरण ना हो, हर तरह से सुविधाएं हो, पढ़े लिखे कम हो, मतलब पढ़े लिखे ज्यादा हो सॉरी, और मजदूरी मतलब कम ही
आप समझिए कि आपकी यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यहाँ कंपनियों को भी फायदा होगा अगर कंपनियों के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी जाती है, क्योंकि सस्ता श्रम मिल जाएगा हमें और आपके यहाँ रोजगार भी मिलेगा। लेकिन हम लोग इस तरह से एक सुविधा नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे कंपनियां हमारे यहाँ आकर्षित हो हमारे तरफ। सिंगापुर की सूरत बदलने में इसकी भौगोलिक स्थिति का भी एक बड़ा योगदान है। ये देश मलक्का जल डमरू के मुहाने पर स्थित है, जहां से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है, जिससे इस देश को भारी कमाई होती है। इसकी 190 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर कई गहरे पानी वाले बंदरगाह भी हैं। अब बात करते हैं गांधीवादी अर्थशास्त्र की। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सिंगापुर की तुलना में अधिक जटिल है। सिंगापुर लगभग 6 मिलियन नागरिक वाला एक शहर है, जबकि 200 मिलियन से अधिक की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में दर्जनों शहरों और हजारों गांव हैं। प्रवासी भारत के शहरों से गांव में वापस लौट रहे हैं। अभी इस समय वे एक ऐसी दुनिया में लौट रहे हैं जिसे गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे। आप समझिए कि 1993 में संविधानिक प्रावधान मिला है, आपके संविधान में जोड़े गए पंचायतों को। अगर गांधी जी होते, अगर गांधी जी को सम्मिलित किया जाता संविधान सभा में, तो आप सोचिए 1950 में ही आपका उन्हें संविधानिक प्रावधान मिल जाता पंचायतों को, और पंचायतों की स्थिति काफी अच्छी भी होती। समझ रहे हैं आप लोग, और आप भी जानते हैं इसको कि आपके घर में अगर 6-7 मेंबर हैं, 5 से 6, और आपके यहाँ 10 बीघे जमीन है, तो आप लोग क्या करते हैं कि काम वहाँ एक आदमी कर सकता है, लेकिन फिर भी पूरा परिवार उसी में खपा हुआ है। तो आप सोचिए कि एक आदमी के करने से जितनी आय हो रही है, तो दूसरा काम करिए ना, जैसे पशुपालन हो गया, और भी काम धंधे हो गए, तो इससे आय भी बढ़ेगी। और आपका मतलब एक आदमी कर रहा है उसे, तो वो तो आपकी क्लियर है ना इनकम, कि आपकी खेती एक आदमी संभालने लायक है आपकी खेती, और बाकी जो 5-6 मेंबर हैं उन्हें अलग कामों में लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि परिवार की आपकी स्थिति भी ठीक रहेगी। लेकिन हम अधिकतर हमारे यहाँ की किसानों की हालत यही है कि जहाँ एक आदमी की जरूरत है वहां हम लोग पूरा परिवार उसी में जुड़ा रहता है। आप समझिए कि 20 अगर 200 मिलियन के करीब है, अगर इतनी जनसंख्या है हमारी, हमारे यूपी की, तो इसे मतलब अगर प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक करने लायक बना दिया जाए तो हमें भी फायदा होगा इसमें कौन सा। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की मतलब स्थिति हालत भी ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन फिलहाल छोड़िए, इस मामले में मुझे केरल ठीक लगता है। जब हमारे यहाँ धर्म पर लड़ा जाता है चुनाव, तो वहाँ आपका शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था और महिला सुरक्षा और इस तरह से कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़े जाते हैं। अभी आप ऑस्ट्रेलिया का देखिए, पूरा पर्यावरण पर चुनाव लड़ा गया, कि मतलब स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, इसी पर पूरा चुनाव केंद्रित था। और आप अपने यहाँ का चुनाव देखिए कि हिंदू मुस्लिम पर पूरा चुनाव निपट जाता है। तो जो बोएंगे वही पाएंगे आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जब तक भारत के गांव में लोगों को आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक भारत स्वतंत्र देश नहीं हो सकता है। या उनका गरीबों का स्वराज का सपना था, किसका, गांधी जी का। इसके लिए अंग्रेजों ने राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय ममायज एक कदम थी। गांधीवादी अर्थशास्त्र एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की संकल्पना पर आधारित है जिसमें वर्ग का कोई स्थान नहीं है, लेकिन इस तरह के गांधीवाद और मार्क्सवाद से भिन्न है। लेकिन इस तरह गांधी जो वाद है ये मार्क्सवाद से भिन्न है। गांधी जी का अर्थशास्त्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं करता है। अर्थात गांधीवादी अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर आधारित है। गांधी जी का अर्थशास्त्र छोटे और श्रम प्रधान उद्योगों के पक्ष में है। गांधी जी बड़ी बड़ी मशीनों के विरोधी थे, हालांकि यह बात वर्तमान समय में थोड़ी कम सार्थक है। उनका मानना था कि एक निर्जीव मशीन कई मनुष्यों का काम करती है, जिसके कारण समाज में बेरोजगारी बढ़ती है। गांधी जी मानते थे कि यदि व्यक्ति को कम संसाधन के साथ रहने की आदत पड़ जाए तो व्यक्ति की जिंदगी में कभी कुछ कम नहीं पड़ता है। मानते थे कि आवश्यकताएं मृग तृष्णा जैसी होती हैं, और आवश्यकताओं को जितना बढ़ाया जाए उतनी ही बढ़ती जाएंगी।
उत्पादन का लक्ष्य समाज की आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए, ना कि लाभ कमाना। गांधी जी पूंजीवाद को पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे उसे समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहते थे। इसमें आप लोग एक कभी अगर आर्टिकल लिखने, मतलब किसी तरह का क्वेश्चन आता है प्रकृति पर भी, पर्यावरण पर भी, तो इसमें आप लोग एक कोट भी डाल सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास इतनी क्षमता है कि वो सभी की पूर्ति कर सकती हो, सिर्फ एक लालची व्यक्ति की छोड़कर। आप समझिए, अगर कोई लालची व्यक्ति है तो उसे पूरी धरती भी कम पड़ जाएगी उसके लालच के कारण। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? निवेशकों की तुलना में सरकारों को अपने नागरिकों और श्रमिकों की बात सुननी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्हें केवल उन निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो नागरिकों और श्रमिकों की देखभाल कर सके। सरकार को सलाह देने वाले अर्थशास्त्रियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मनुष्य निवेशक के लिए रिटर्न बनाने के लिए उपकरण नहीं है, बल्कि पैसा इंसानों के लिए लाभ पैदा करने का एक उपकरण है। तो ये कहानी है आपकी विकास मॉडलों की। फिलहाल देखिए, कभी कोई नहीं अपनाता है, ये चले आ रहे हैं 1947 से इसी हाल में फटी हाल में चले आ रहे हैं, और कब तक चलते हैं ये आने वाला समय बताएं। इस मामले में मुझे दिल्ली का ठीक लगा हाल कि आप सोचिए कि किसी गरीब को क्या चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरा प्रशिक्षण यानी कि रोजगार मिल जाए उसे, और ये दिल्ली ने अच्छी तरह से उपलब्ध कराया। अरविंद केजरीवाल का काम ठीक लगा मुझे। अब चाहे उसका फ्री कह लीजिए, चाहे कुछ भी, हर किसी के लिए हर किसी का नजरिया अलग अलग है। ठीक है।